नमस्कार। अक्सर ये सुनने में आता है कि हमारे करेले की स्टफिंग बाहर निकल आती है, पर आज मैं आपसे एक ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी जिससे करेले की स्टफिंग बाहर नहीं आएगी और आप मज़े लेके खाएंगे। सबसे पहले हम करेले लेंगे और उसके किनारे को ऐसे काट लेंगे। अब हम करेले का छिलका उतारेंगे इस तरह से। अब एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच नमक घोलेंगे और उसमें छिलका उतरा हुआ करेला डाल देंगे। ऐसा करने से करेले की कड़वाहट कम हो जाती है। 20 मिनट के बाद हम करेले को बाहर निकालेंगे और ऐसे कट करना शुरू करेंगे। हमें करेले को बीच में से ऐसे चीरा लगाना है। चीरा लगाने के बाद हम करेले के बीज निकालेंगे इस तरह से। अब एक बर्तन में तेल लेंगे और उसे गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद हम उसमें करेलों को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। हमने करेले लो फ्लेम पर पकाने हैं। दस मिनट के लिए इसे हम ढककर रख देंगे। अब हम करेलों को पलटना शुरू करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। एक बार फिर से हम करेलों को ऐसे पलट पलट कर पकने देंगे। पाँच मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे और करेलों को हम फिर से इस तरह से पलट देंगे। ऐसा करने से हमारे करेले सभी तरफ से पक जाएंगे। हमारे करेले पक कर तैयार है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। ऐसे हम बाकी के बचे हुए करेले भी पका लेंगे। अब एक कड़छी सरसों का तेल लेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद उसमें हम आधा चम्मच हींग डालेंगे। 2 कसे हुए प्याज डालेंगे। एक से दो मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। अब इसमें कसा हुआ 1 चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें 1 कसा हुआ टमाटर डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाना है हमें इस मिश्रण को।
अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब फिर से इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। जब तक मसाला तेल ना छोड़ जाए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हमारी करेले की स्टफिंग तैयार है। अब हम फ्राइड करेले लेंगे और उसमें इस स्टफिंग को फिल कर देंगे। इस तरह करेले की स्टफिंग भरने से करेले की स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। हमारे स्टफ्ड करेले तैयार हैं। इन्हें आप टिफ़िन में ले जा सकते हैं या घर पर भी खूब मज़े लेकर खा सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।